गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दीपिका व्लॉग्स। मेरे चैनल पे आपका ढेर सारा स्वागत है। मैं उठ चुकी हूँ और अभी मैं जो है पी रही हूँ चाय, आप देख सकते हो। और गाइस, मेरे पीछे ना आप यहाँ पे कपड़े देख रहे होंगे बड़े सारे। ये देखो, हमारे यहाँ पे ना 3-4 दिन से बारिश हो रही थी। आई होप आपके यहाँ भी हो रही होगी, सब जगह ही बारिश थी। तो हमारे कपड़े इतने गीले थे ना, धुले हुए थे बट सूख नहीं पाए थे। कल फाइनली धूप निकली थी तो कल हमारे कपड़ों को धूप लगी, अब इनको समेटेंगे। बस फटाफट से चाय पी लेती हूँ। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है, आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, चाय पी ली उसके बाद घर के छोटे मोटे काम फिनिश करने के बाद मैं फिर से बेड पे आ गई। और आप टाइम देखोगे, टाइम देखो बिल्कुल लिटरली आपको दिख रहा है तो 11 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक बेड टाइम ओवर नहीं हुआ क्योंकि ठंड बहुत है बाहर। गाइस, आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है और बहुत ज्यादा धुंध वाला मौसम हो रखा है, तो मन ही नहीं कर रहा रजाई से निकलने का। तो ये देखो, मेरी रजाई भी अभी तक मैंने फोल्ड नहीं की है, ऐसी रखी हुई है। और अभी देखते हैं, आपको दिखाती हूँ, नाश्ते की तैयारी हो रही है, गर्मा गर्म पराठे बनेंगे। किस चीज के, आओ दिखाती हूँ। तो ये देखो, पराठे बनेंगे गोभी के, मेरे तो फेवरेट हैं। मेरे घर में ऑलमोस्ट सभी के फेवरेट हैं गोभी के पराठे, हमें बहुत पसंद है। और आपको एक टिप देती हूँ गाइज, अगर आपको गोभी के पराठे अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे जब भी बनाए तो गर्म पानी से वॉश करके बनाए। सो नाश्ता हो गया दोस्तों, और अब मैंने लगा दिया है पानी गर्म होने के लिए। अब हम नहाएंगे और अब जल्दी से चलते, जब तक पानी गर्म होता है हमें वॉश करने ये सारे बर्तन। तो इसे वॉश करके नहा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, मैं हो गई हूँ नहा करके रेडी, अब मैं कुछ रील्स बनाऊंगी। क्या आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया अभी तक? रियली? सो प्लीज जाके फॉलो कर लो गाइज, इतनी अमेजिंग सी रील्स मैं बनाती हूँ, आपको बहुत पसंद आएंगी। इंस्टाग्राम का जो लॉगिन लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ स्क्रीन पे भी मैं मेंशन कर रही हूँ, आप प्लीज जाके मुझे फॉलो कर लो वहाँ पे। और गाइज, आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि जो मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर ज्योति, वो यूके गई हुई है, तो उसके बारे में मैंने कभी आपको बताया ही नहीं उसके जाने के बाद। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ, आप लोगों के काफी कॉमेंट आ रहे थे कि वो कैसी है, उसकी स्टडीज का कैसा मतलब चल रहा है वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच आपका इतना कंसर्न दिखाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं गाइज, वो बिल्कुल ठीक है और अभी उसके एग्जाम्स चल रहे हैं तो उसी पे फोकस कर रही है और वो प्रॉपर सेटल डाउन भी वहां पे हो गई है। अभी कमिंग 17 को उसे पूरे 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो उसने एक वीडियो वहां का शेयर किया था, वैसे तो वो बहुत सारी वीडियो शेयर करती रहती है, मैं आपको एक क्लिप दिखा देती हूँ वहां की, तो आप देख करके एंजॉय कर सकते हो। और गाइज, साथ में आपको बता दूं, आप उसके लिए प्रे भी करिएगा, उसके एग्जाम चल रहे हैं कि बहुत अच्छे हों। तो गाइज, अब चलते हैं मार्केट और ये देखो हम पूरा पैक होके जा रहे हैं तो वहीं जाके आपसे मिलते हैं। अच्छा लग रहा है ये। इसी का कलर है ना ये? और डिजाइन दिखा दो। ये थोड़ा बड़ा ना, पर ये कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। और ये जो शॉपिंग हम कर रहे हैं, अभी मैंने आपको शॉप का रिव्यू दिखाया, लुक दिखाया था, वो किसके लिए कर रहे हैं वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी गाइज, कुछ स्पेशल है सो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड में आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने क्या क्या लिया और किसके लिए लिया। तो गाइज, मैंने शॉपिंग कर ली है दीवास फैशन गर्ल्स वेयर से, और क्या लिया है आपको घर जाके पक्का दिखाने वाली हूँ। और अभी लोहड़ी है तो देखो थोड़ी सी मूंगफली की शॉपिंग कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है लोहड़ी के लिए। तो इस व्लॉग के बिल्कुल बाद नेक्स्ट आपको लोहड़ी का व्लॉग देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
तो मिस मत कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है तो प्लीज करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, हम मार्केट से आ गए और देखो हम लोग अपनी फेवरेट गच्चक लेकर आए, चॉकलेट्स लेकर आए और हम लेकर आए क्रीम रोल। अब किस किस को अपना बचपन याद आया जरा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे एंजॉय करते हैं, बहुत यम्मी होते हैं गाइज, तो इसे खाएंगे। और मार्केट की क्या शॉपिंग हमने और भी की है, ये देखो दो बैग्स यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले इसे फिनिश कर लेती हूँ। आ जाओ फ्रेंड्स, चाय पी लो और चाय के साथ मैच भी देख लो। ये देखो पापा का रिएक्शन, पता नहीं क्या भूत देख लिया क्या पापा। सो गाइस, ये तो आपको मैंने दिखाया, मैंने क्रीम रोल खा लिया है, बहुत टेस्टी था। और अभी चाय भी पी ली है। उसके बाद ये कुछ हमने गच्चक और रेवड़ी ले ली थी। मूंगफली हमें बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी मिल रही थी तो हमने ली नहीं, उसको हम लोग कल ले आएंगे। ये हमने गच्चक ले ली थी। और गाइस, ये जो है ना, ये बहुत स्पेशल चीज है जो मैंने आपको शॉप पे भी दिखाया था। एक्चुअली आपने मॉम का चैनल फॉलो किया हुआ है गाइस, तो आपको पता होगा कि मेरे मॉम जो है नीडी लोगों की, बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प करना पसंद करते हैं, मतलब उनको बहुत ज्यादा पसंद है और करना भी चाहिए, क्यों नहीं। तो उन्होंने हमें भी यही सिखाया है बचपन से कि दूसरों की मदद करो। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, हमारे यहाँ पे एक दीदी आते हैं जो घर में साफ सफाई के लिए आते हैं, हेल्प करते हैं हमारी। तो एक दीदी हमारे यहाँ पे आते हैं, सफाई वाले दीदी हैं, तो उनकी दो गुड़िया हैं छोटी छोटी, और ठंड का मौसम चल रहा है, लोहड़ी भी आ रही है, तो मुझे लगा कि चलो मुझे उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहिए। पहली बार मैंने ऐसा किया है। मॉम तो हमेशा ही करते हैं, और मॉम का चैनल अगर आप लोग नहीं देखते हो, अगर आपको नहीं पता है तो रीना व्लॉग्स के नाम से उनका चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लो और आपको पता चल जाएगा कि मॉम कितना ज्यादा ये चीजें करते हैं। और मुझे भी उन्होंने यही चीज सिखाई है, हम तीनों बच्चों को यही सिखाया गया है। तो इसीलिए ना आज मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, और मैं ये दिखाने के लिए आपको नहीं बता रही हूँ, जस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ गाइस, अपनी हैसियत से जितना आपके से बनता है उतना आप थोड़ा सा ही करिए, पर करिए, ओकेजनली बहुत खुशी मिलती है, दिल से सुकून मिलता है। तो मैं ये दो ना उनके बच्चों के लिए सूट्स लेकर आई थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बड़े क्यूट से लगे। तो एक उनकी गुड़िया है 5 साल की, एक है 2 साल की, तो जो उनकी बड़ी गुड़िया है ना उसके लिए मैंने ये वाला स्वेटशर्ट वाला ट्रैक सूट लिया है, देखो पिंक कलर में, एंड ये उसके साथ उसका बॉटम आ जाएगा। सो मुझे बहुत सुंदर लगा, एक तो ये वाला उसकी बड़ी गुड़िया के, उनकी बड़ी गुड़िया के लिए लिया है, एंड ये उनकी छोटी सी गुड़िया है 2 साल की, उसके लिए लिया है। देखिएगा इस कलर कितना सुंदर है, रेड कलर, और ये उसके साथ बॉटम है। सो मैं उनको नहीं पता है ऐसा, मैंने उनको बताया नहीं था, तो लेकिन मेरे लिए उनके लिए एक सरप्राइज होगा, लोहड़ी पे मैं उन्हें गिफ्ट करने वाली हूँ। तो देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा आएगा, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा गाइस, मेरा लोहड़ी व्लॉग। एंड अभी खत्म नहीं हुआ गाइस, एक मैं अपने लिए भी कुछ लेकर आई हूँ, ये आप थोड़ा सा ऊपर से दिखा देती हूँ, इस तरीके की ड्रेस है। क्या है ये आपको लोहड़ी वाले दिन ही पता चलेगा, इसे मैं वेयर करूंगी और आपके साथ लोहड़ी का ब्लॉग शेयर करूंगी। और गाइज ये सरप्राइज भी दीदी को कैसा लगेगा वो भी आपको उसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो अगर आप ये ड्रेस देखना चाहते हैं, मैंने डीवास से ली है, गर्ल्स वेयर, ये कहाँ है, नेहरू प्लेस के अंदर है, वो भी आपको सारी डिटेल में लोहड़ी ब्लॉग में ही बताऊंगी। काफी अफोर्डेबल और काफी अच्छे पीसेस इनके पास होते हैं। सो ये था आज का मेरा छोटा सा शॉपिंग, एक्चुअली 6 बजे तक का टाइम मार्केट का, ज्यादा शॉपिंग हम कर नहीं पाए, सो बस यही कुछ हम लेकर आए। सो गाइज डिनर रेडी कर रही हूँ, ये देखिए मैंने माँ छोले की दाल रेडी कर ली है, और अब मैं बना रही हूँ राइस, ये देखिए यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है। सो बस डिनर इंजॉय करेंगे और जल्दी से फटाफट बना लेती हूँ, भूख बहुत जोर से लग रही है। तो फ्रेंड्स अब डिनर हो गया है, दाल राइस बहुत टेस्टी बने थे, बहुत भर पेट खा लिया है मैंने, अब मुझे आ रही है नींद। अब मैं थोड़ा सा टीवी देख रही थी इसीलिए मैंने स्पेक्स लगाया हुआ है। सो गाइज अभी मैं इंजॉय करूंगी अपना डार्क फैंटेसी। किस किस को ये बिस्किट पसंद है मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुँह मीठा करने के लिए मैं एक बिस्किट खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि इतनी रात को ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए, वो खासतौर पर चॉकलेट। सो बस एक बिस्किट खाने के बाद मेरी हो जाएगी गुड नाइट। तो फिर आप लोग को मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग को देखना मत भूलिएगा गाइज, लोहड़ी का स्पेशल व्लॉग आएगा, सो उसमें एक सरप्राइज भी है, आपको बताया था मैंने आज के व्लॉग में। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर।